हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद डी ए। लेट्स लर्न विद डी ए में क्या कर रहे हैं हम लोग? कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, चैप्टर नंबर 4, क्लास 10th केमिस्ट्री। ठीक है, तो कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी, बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया था, है ना। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग ये ऑलोट्रॉप्स नहीं पढ़ा था मैंने कल आपके लिए ना, तो ऑलोट्रॉप्स पढ़ लेती हूँ। ऑलोट्रॉप्स क्या होता है? एलोट्रॉप्स क्या रहता है भैया? एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन क्या होता है? द एलिमेंट ऑफ द कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म। मतलब कार्बन जो है, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, कार्बन जो है वो हर एक फॉर्म में है आपके यहाँ पे, ठीक है, अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कार्बन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट द एलिमेंट कार्बन अकर इन डिफरेंट फॉर्म इन द नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कार्बन हर जगह प्रेजेंट है, जैसे कि बोथ डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट में कितना फ़र्क है? डायमंड हार्ड, ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन दोनों ही कार्बन के कंपाउंड्स हैं, है ना। सो वो एलिमेंट्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है, एंड आर फाउंड बाय द कार्बन एटम। एंड द डिफरेंस लाई इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम आर बाउंडेड टू वन अनदर। तो ये डिफरेंस क्या है, ये एक दूसरे के साथ ये बाउंड करते हैं कार्बन आटम्स। इन डायमंड ईच कार्बन क्या होता है, ठीक है, इन डायमंड ईच कार्बन जो होता है इज बॉन्डेड टू, इन डायमंड क्या होता है, ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन आटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर। मतलब कार्बन जो है, ये कार्बन चार, ठीक है, चार अलग कार्बन के साथ अटैच रहता है, और ये वाले कार्बन आगे चार के साथ अटैच रहते हैं, फिर इसी के साथ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, डायमंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। डायमंड ईच कार्बन हैज़ बॉन्डेड विद द फोर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कार्बन के पास वैसे भी चार एक्स्ट्रा लगा लो या चार की वैलेंसी लगा लो, ठीक है, जो कहना कह लो। तो इन ग्रेफाइट में क्या होता है, ईच कार्बन आटम इज बॉन्डेड विद द 3 कार्बन आटम, कार्बन इसमें ग्रेफाइट में, ठीक है, एक कार्बन जो है वो 3 के साथ अटैच रहता है, और जो चौथा वाला होता है ना वो नीचे वाली शीट के साथ होता है, वो वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्टर देन डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट इज सॉफ्टर देन डायमंड। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन आटम इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन आटम्स इन द सेम प्लेन गिवन अ हेक्सागोनल, हेक्सागोनल इसी तरह से एक हेक्सागन सा बन जाता है, ठीक है ना, अरेंजमेंट, अरे मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। सो वन ऑफ दीज बॉन्ड जो होता है, वन ऑफ दीज बॉन्ड इज डबल, इनमें से एक बॉन्ड जो होता है वो डबल होता है, एंड दस द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाई हो जाती है एक दूसरे के साथ। मतलब एक अदा बॉन्ड, अब चार कार्बन ने चार तो पूरे करने ही है ना, तो एक अदा बॉन्ड जो होता है सेटिस्फाई कर लेता है अपने आप को डबल बॉन्डिंग करके। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द हेक्सागनल अरे बींग प्लेस इन अ लेयर, ठीक है ना, ये लेयर वाइज लेयर बनता है, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा डायमंड का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ये छोटी सी रिंग भी दी हुई है, एक कार्बन चार के साथ अटैच्ड है और फिर फर्दर और कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना दिया डायमंड का, है ना, डायमंड का स्ट्रक्चर बना दिया। और स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट क्या है, शीट लाइक स्ट्रक्चर है, एक पहली शीट आ गई फिर उसके नीचे दूसरी शीट आ गई, ठीक है। सो ये डायम, तो ये आपका आ गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। और ग्रेफाइट से आप क्या करते हो बताओ, आप लोग बताओ ग्रेफाइट से क्या करते हो, ग्रेफाइट से आप लिखते हो, है ना, ग्रेफाइट से लिखते हो, लिखने का काम करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्रेफाइट पेंसिल से आप ड्राइंग्स भी बनाते हो, है ना। और ये थर्ड जो है एलॉय, है ना, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, ये है बल्क मिनिस्टर फ्लोरीन, FLULLERENE है, फ्लोरीन कह सकते हो, फ्लोरीन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका पेंटागन टाइप का है, ऐसे सर्कुलर शेप में है ये बल्क मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछे कि एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन के नाम बता दो, तो डायमंड ग्रेफाइट एंड बल्क मिनिस्टर फ्लोरीन आप नाम ले सकते हो। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रेफाइट और डायमंड की, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंस आता है पेपर में, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट को एक्सप्लेन करो,
ठीक है, तो चलो फिर एक्सप्लेन करते हैं. सो दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिजल्ट इन इसके ऊपर डायमंड और ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़. अब ये जो ऊपर हम लोगों ने स्ट्रक्चर किया है कार्बन का, कार्बन के दो फॉर्म्स का, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दोनों की दोनों डिफरेंट हैं. ग्रेफाइट एंड इसकी डायमंड हैविंग द वेरी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. इवन थ्रू द केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती हैं, इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती हैं. डायमंड इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस, पता ही है आपको, है ना. डायमंड जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है ना. ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है. डायमंड इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, वाइल द ग्रेफाइट इज द स्मूथ एंड स्लिपरी. बट ग्रेफाइट क्या होता है, स्मूथ एंड स्लिपरी होता है. ये डिफरेंस आप एक एक करके बता सकते हो, जैसे कितने सारे इधर से ही निकल जाते हैं. फिर ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट क्या है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. अनलाइक नॉन मेटल्स दे यू दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर, नॉन मेटल की तरह नहीं होता. मतलब ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ये क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल की तरह नहीं, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है. तो ग्रेफाइट उसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं एज अ कंडक्टर, लेकिन हैवी कंडक्टर के लिए यूज़ नहीं कर सकते. बट इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. तो उसके बाद ये जो डायमंड है कैन बी सिंथेसाइज बाय सब नहीं क्या है, हाँ, डायमंड कैन बी सिंथेसाइजिंग बाय सो डायमंड कैन बी सिंथेसाइज बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू अ वेरी हाई प्रेशर. अच्छा जी, डायमंड को बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको बहुत प्योर कार्बन, सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन को लेके टू अ वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर में रख के. अब डायमंड और ग्रेफाइट ये जो माइंस होती हैं, आपको पता ही है क्या होता है, कि बहुत सालों तक कोई चीज़ जो है, फॉसिल ले लो, प्लांट ले लो, ये सब लो, सब प्लाना टिंगड़ा जो है वो ज़मीन पे दबा रहता है, दबा रहता है, दबा रहता है, उसके ऊपर लेयर से पे लेयर आती जाती है. और हज़ारों करोड़ों सालों के बाद जाके जो अंदर वाला चीज़ जो फॉसिल होता है, ये कोई चीज़ में ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है ना. तो ज़्यादातर फॉसिल हो जाते हैं, या फिर कोल हो जाता है, पेट्रोलियम हो जाता है, या फिर कार्बन की फॉर्म डायमंड पे बन जाता है, ठीक है ना, है ना. माइंस भी मिल जाती हैं कई जगह पे, माइंस और गोल्ड माइंस और दूसरी माइंस, लोहे की माइंस, मतलब अलग 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 माइंस के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा. तो डायमंड कैन बी सिंथेसाइज बाई सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में. एंड दी सिंथेटिक डायमंड होते हैं, ये जो सिंथेटिक डायमंड है, सिंथेटिक ही हुए ना, मैन मेड चीज़ों को सिंथेटिक ही बोला जाता है, आर स्मॉल होते हैं बट अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नेचुरल डायमंड्स, ठीक है ना. एक तो ये स्मॉल साइज़ के होते हैं, बड़े बड़े साइज़ के तो नहीं मिले, लेकिन स्मॉल साइज़ के भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पहचान नहीं कर पाते असली और मतलब पुराने, पुराना जो नेचुरल डायमंड है और सिंथेटिक डायमंड में ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाते, ठीक है. बाकी रहा थर्ड वाला फॉर्म, क्या है, फ्लोरीन्स, फ्लोरीन्स बोला इसने, फ्लोरीन्स फ्रॉम द अनदर क्लास ऑफ कार्बन हेलोट्रॉप की फॉर्म होती है. द फर्स्ट वन ऑफ टू बी आइडेंटिफाइड बॉयज, जो फर्स्ट आइडेंटिफाई हुई थी ये फ्लोरीन वाली, C60 हुई थी, विच हैज़ कार्बन आटम अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल की शेप में, हेक्सागोनल होता है फुटबॉल की शेप में, ऐसे करके ये शेप में बना हुआ था. सिंस दिस लुक्ड लाइक अ जियोडिस्क, इसलिए ये जो है बल्क फ्लोरीन, बल्क मिनिस्टर फ्लोरीन जो है वो जियोडिस्क की फॉर्म में, ठीक है. जियोडिस्क नए नए वर्ड्स आते हैं, बस याद रख लिया करा करो, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, फिर आप तो आंसर खुद ही भी बना लोगे ना. तो ये जियोडिस्क डोम, जैसे US आर्किटेक्चर डिज़ाइन करता है ना, उन्होंने बनाए होंगे ऐसे करके, बनाए होते हैं जियोडिस्क डोम्स, आपने देखा होगा टीवी में ऐसे करके बड़े डोम्स बनाए होते हैं, ठीक है, वो ऐसे करके इसी इन्हीं शेप्स को मिला के बनाए होते हैं, ऐसे करके इन्हीं इन्हीं शेप्स को मिला के ना एक फुटबॉल जैसा कमरा बनाया होता है. तो जियोडिस्क डोम बोला जाता है, डिज़ाइन बाय US आर्किटेक्चर बल्क मिनिस्टर फ्लोर द मॉलिक्यूल नेम्ड, उन्होंने उस मॉलिक्यूल का नाम ही डाल दिया फ्लोरीन, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ फॉर्मूला CO2, क्या हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का. मैंने आई थिंक बताया आपको, कार्बन के पास चार हो गए ना और ऑक्सीजन के पास दो का रहता है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना. तो एक काम करो, कार्बन के एक्स ले लेते हैं और ऑक्सीजन का दो हो गया, ठीक है ना, बाकी छः तो हमें पता ही है इसके, तो इसने अपने आठ पूरे कर लिए और ये वाले ऑक्सीजन ने भी अपने आठ पूरे कर लिए, ठीक है, ये और कार्बन ने भी अपने आठ पूरे कर लिए, सब ने अपना अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, सब ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया. तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. सो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, सल्फर विच इज़ मेड अप ऑफ 8 एटम ऑफ सल्फर. हिंट क्या है, 8 एटम ऑफ सल्फर आर जॉइंट टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ रिंग. हाँ 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 तो
सल्फर के 8 एटम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे टू फॉर्म अ रिंग बना देंगे। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, क्या होएगा सल्फर के ऊपर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गया, ठीक है। तो वर्सेटाइल क्या होता है? वर्सेटाइल नाम बताओ, मतलब बताओ इसका, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल नेचर वर्सेटाइल होता है जो हर जगह फिट हो जाता है, हाँ हर जगह हर कोई काम कर लेता है फिर भी उसको पहचान नहीं मिलती अभी तक। चलो तो वर्सेटाइल होता है जो हर जगह फिट हो जाता है ना, कुछ भी कर लेता है। मैं अपने आप को वर्सेटाइल नेचर में आती हूँ, मैं अपने आप को वर्सेटाइल में डालती हूँ, ठीक है। वेल वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन जो हर जगह फिट हो जाता है, इसकी हर जगह ही फिट हो जाता है इसको, सब कुछ मतलब हर जगह हर एक कैटेगरी में फिट हो जाता है ये वर्सेटाइल, ठीक है। सो वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, हम लोगों ने अक्सर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन देख ली। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। वी ऑल्सो सीन दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल कार्बन कंपाउंड भी देख लिया, जैसे कि मिथेन का स्ट्रक्चर भी देख लिया। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सॉ हाउ मैनी वी यूज कंटेन हाउ मैनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन, हम लोगों ने फिर स्टार्टिंग वाले वो जो एक्टिविटी में ये भी देख लिया कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिसमें कार्बन कंटेन करता है, कार्बन उसमें कंटेन होता है। तो इन फैक्ट वी आर सेल्फ आर मेड अप ऑफ, इवन हम लोग भी कार्बन से ही, कार्बन के ही कंपाउंड हैं, ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज फार्मूला नोन टू केमिस्ट वॉज रिसेंटली एस्टिमेटेड इन 2 मिलियन, तो आजकल जो जितने भी केमिस्ट ने कार्बन कंपाउंड्स सर्च मार लिए हुए हैं यहाँ पे ढूंढ लिए हैं वो मिलियंस में हैं, उसको कहाँ गिनती करते रहेंगे हम लोग। सो दिस आउटकम दिस आउट नंबर बाय अ लार्ज ये जो आउट नंबर है बाय अ लार्ज मार्जिन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ऑल द अदर एलिमेंट पुट टुगेदर, क्या होता है ये जो मार्जिन है सारे के सारे कंपाउंड को पुट टुगेदर इकट्ठा करके, बाय इज दिस मतलब पुट टुगेदर एलिमेंट को इकट्ठा करके आप देख सकते हो, ये बोला उसने, फॉर्म्ड बाय ऑल टुगेदर बाय अदर एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को बनाता है इसी तरह से, इसका मतलब यही है। तो व्हाई इज इट दैट दिस प्रॉपर्टी इज सीन टू कार्बन एंड नो अदर एलिमेंट, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि सिर्फ कार्बन में ही ये प्रॉपर्टी क्यों मिलती है, बाकी में क्यों नहीं मिलती है ना, इसी में ही क्यों मिलती है बाकियों में क्यों नहीं मिलती है। तो द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड एनेबल क्या करता है कार्बन को टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। ये जो नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होती है एनेबल करती है कार्बन को टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड टू फैक्टर्स नोटिस इन केस ऑफ द कार्बन, और यहाँ पे दो फैक्टर्स हम लोग नोटिस करते हैं इन केस ऑफ द कार्बन। फर्स्ट वाला फैक्टर होता है कार्बन जो होता है हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स, ठीक है, कार्बन में यूनिक एबिलिटी होती है बॉन्ड फॉर्म करने की विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द कार्बन एंड गिव राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्या बोलते हैं कैथिनेशन, CATENATION, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड्स विद द अदर एटम, ठीक है, ऑफ द कार्बन गिविंग लार्ज, इससे हम लोग लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैथिनेशन बोलेंगे हम लोग उसको, ठीक है, कैथिनेशन। सो दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, इस कंपाउंड में लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन भी बन सकती है, ब्रांच भी बन सकती है, मतलब लॉन्ग चेन भी बन सकती है, ब्रांच क्या हो गया, ब्रांच भी बन सकती है, ऐसे ऐसे करके ब्रांचेस भी बन सकती हैं बहुत सारी, ठीक है, ऑफ द कार्बन एंड इवन कार्बन एटम अरेंज इन रिंग की फॉर्म में भी बन सकता है, ठीक है। सो इन एडिशन अभी देखेंगे हम लोग ये सारे के सारे, इन एडिशन कार्बन एटम में भी लिंक विद सिंगल बॉन्ड के साथ भी लिंक हो सकता है, डबल के साथ भी हो सकता है और ट्रिपल के बाद, तो कितनी सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं कार्बन की। तो कंपाउंड ऑफ द कार्बन विच लिंक्ड विद वन सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आर कॉल्ड सैचुरेटेड, अब हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, सैचुरेटेड क्या होता है इन और अनसैचुरेटेड क्या होता है। इन एडिशन कार्बन एटम जो होते हैं अगर सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी अटैच हो जाते हैं, फिर कंपाउंड ऑफ द कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है उसको हम लोग सैचुरेटेड कार्बन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, क्या बोलते हैं SATURATED सैचुरेटेड कंपाउंड्स को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ CUMPD, ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड। और बाकी कहाँ जाते हैं, बाकी हाइड्रोजन ले लेते हैं, है ना, ठीक है, मीथेन हो गया ये वाला फार्मूला है CC सिंगल बॉन्ड। फिर लेकिन यहाँ पे अगला
ये हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। तो कंपाउंड ऑफ द कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया ना, तो सिर्फ कार्बन को अब कितनी की ज़रूरत है, दो दो की ज़रूरत है, सिर्फ दो ही हाइड्रोजन लेगा वो तो, है ना, दो ही, दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो दो ही लेगा। और यहाँ पे कार्बन ने तीन बॉन्ड्स बना लिए हुए हैं, तो उसको सिर्फ एक की ज़रूरत है, ठीक है, चार पूरे करने के लिए सिर्फ एक की ज़रूरत है। दैट्स वाई ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए अनसैचुरेटेड, ठीक है, ये क्या हो गए अनसैचुरेटेड, क्या हो गए अन एस ए टी यू आर ए टी ई डी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हो गए, ठीक है ना। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड, सिंगल वाले डबल सैचुरेटेड, ठीक है। सो नो अदर प्रॉपर्टी, नो अदर एलिमेंट, इसके अलावा कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है जो एग्जिबिट करता है, बनाता है या दिखाता है ये वाली प्रॉपर्टी, कौन सी, कैथिनेशन टू एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड, सिलिकॉन भी बनाता है कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन के साथ, विच हैव चेन अप टू 7 to 8 आटम। सिलिकॉन जो होता है, आजकल तो सिलिकॉन बड़ा फेमस है ना, हर जगह सिलिकॉन यूज हो रहा है। तो सिलिकॉन इज ऑल्सो एन आटम एलिमेंट, कंपाउंड भी बनाता है ये हाइड्रोजन के साथ, और उसकी चेन ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 तक रहती है, 7-8 तक रहती है, मतलब सिलिकॉन 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 7-8 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 7 or 8 तक आता है। बट दीज कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव, लेकिन ये वाले कंपाउंड बड़े रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्ट कर जाते हैं। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेबल भी होता है, मतलब रिएक्टिव नहीं है, स्टेबल है। सो दिस गिव अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, सो इसी की वजह से, यही कार्बन की प्रॉपर्टी की वजह से हमें बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। कार्बन आटम लिंक्ड टू ईच अदर, इसलिए कार्बन आटम जो है वो लिंक कर लेता है एक दूसरे के साथ, और वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है हमारी लाइफ का। सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, हमें पता है कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 की रहती है ना, सो इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद द 4 आटम, है ना, ऑफ द कार्बन या फिर अदर आटम, कोई और आटम ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। तो कंपाउंड ऑफ द कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन, इन सब के साथ बॉन्ड बना के अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन, इन सब के साथ बॉन्ड बना के भी ये बहुत सारी चीज़ें बनाता है, ठीक है। मैनी अदर एलिमेंट गिव राइज टू द कंपाउंड विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट अदर देन द कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो मैनी, और ये क्या हो गया, सो मैनी अदर एलिमेंट होते हैं वो गिव राइज कर रहे हैं कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज विच, जो कि डिपेंड करता है एलिमेंट अदर देन द कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी। अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स, मेरे आसपास के शोर का मैं क्या करूँ यार, अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म्ड विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेक दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। अगेन ये जो बॉन्ड होते हैं कार्बन फॉर्म के विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। अगेन फिर से बोल रही हूँ, अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म्ड, ये जो कार्बन बनाता है ना बॉन्ड्स विद किसी और एलिमेंट के साथ, ठीक है ना, CO2 हो गया, C के साथ CH3 हो गया, 4 हो गया, कुछ भी बना लो, और भी बहुत सारे कार्बन के साथ जो बनाते हैं वो मोस्ट क्या होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, दीज कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, ये स्टेबल। तो वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ द कार्बन इज क्या है, स्मॉल साइज, कार्बन का साइज रहता है स्मॉल, इसलिए वो क्या करता है, वो नेबल हो जाता है, उसका न्यूक्लियस जो होता है वो होल्ड, न्यूक्लियस स्मॉल साइज की वजह से, कार्बन एंड इट्स स्मॉल साइज की वजह से ये हाईली स्टेबल हो जाता है। दिस इनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन, स्टार्टिंग में ही बात की थी ना कि अगर हम लोग कार्बन को 4 एक्स्ट्रा दे देंगे तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि बेचारे का न्यूक्लियस छोटा होता है और अगर दे देगा तो खुद स्टेबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है, इसी की वजह से कार्बन बेचारा शेयरिंग में काम चलाता है, ठीक है ना, हर चीज़ शेयरिंग में काम चला लेता है। तो दिस इनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसी वजह से ये जो न्यूक्लियस है टू होल्ड द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है, है ना, ना लेता है ना देता है, शेयर कर लेता है, शेयरिंग कर लूँगा मैं, ना लूँगा ना दूंगा, ठीक है, शेयर कर लेंगे, फिर डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर स्ट्रक्चर बना बना के बच्चों को तंग करेंगे तंग नहीं करेंगे, बड़ा मज़ा आता है बनाने में, बहुत ईजी से हैं। सो दीज बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट हैव बिगर एटम्स आर मच वीकर, तो ये जो बॉन्ड होते हैं एलिमेंट्स के अगर ज़्यादा बड़े हो जाएं, ठीक है ना, वो वीकर हो जाते हैं। आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रहता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन द कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, ठीक है।
अक्सर यही तीन चीज़ें होती हैं जो अक्सर होती हैं, मिलती हैं आपको. सो टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन द कार्बन, दैट इज टेट्रावेलेंट एंड द कैटिनेशन. ठीक है ना, कार्बन में जो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलते हैं वो है टेट्रावेलेंसी, टेट्रा मतलब चार की वैलेंसी, एंड ये है कैटिनेशन. हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया क्या होता है. एंड पुट टुगेदर गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड. यार सो मैनी हैव द सेम नॉन कार्बन आटम एंड ग्रुप ऑफ द आटम अटैच टू द डिफरेंट चेन, एंड दीज कंपाउंड वर क्या है, इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल सबस्टांस. ये कंपाउंड जो है वो नेचुरली सबस्टांस से एक्सट्रैक्ट किया जाते हैं, एंड इट वॉज थ्रू दैट, ये क्यों होता है, दैट कार्बन कंपाउंड और द ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड ओनली बी फाउंड विद इन अ लिविंग थिंग. अच्छा, ये जो कार्बन कंपाउंड होते हैं एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग लिविंग बींग्स में ही पाए जाते हैं. ऑर्गेनिक बोला ना इसने, ऑर्गेनिक का मतलब जिंदा चीज़ों में है ना, जिंदा. सो जिंदा या फिर नेचुरल चीज़ों में. सो दैट इज़ इट वॉज पॉसिबिलिटेड बाय द वटाइल फोर्स वॉज नेसेसरली फॉर दी सिंथेसिस. मतलब वटाइल फोर्स चाहिए होती है इसकी सिंथेसिस के लिए, हैं तो इसलिए फ्रेडरिच मुलर डिसप्रूव कर दिया दिस इन 1822 में. इसने फ्रेडरिच FREDRICH WOHLER वुलर्स, ठीक है, बाय प्रिपेयरिंग द यूरिया फ्रॉम द अमोनिया. ठीक है, यूरिया फ्रॉम द अमोनिया साइनाइट से बनाते थे. अमोनिया CH3 होता है, अमोनिया CH4 होता है, CH3 होता है. अमोनिया का फार्मूला CH3 होता है शायद, CH होता है. तब मैं मुझे चेक करके बताती हूँ आपको, ठीक है ना. तो यूरिया प्रिपेयर करने से मना कर दिया, डिसप्रूव कर दिया उन्होंने अमोनियम साइनाइट से बनाना. ठीक है, अमोनियम क्या है, AL, साइनाइट क्या हो गया CN, है ना, Al2CN होगा. बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड एंड ऑक्साइड. कार्बाइड हो गया कार्बन कंपाउंड, ऑक्साइड हो गया उसमें ऑक्सीजन भी मिला होता है ऑफ द कार्बन. फिर कार्बोनेट हो गया CO2 या CO3 हो गया, एंड हाइड्रोकार्बन है जिसमें, ओह गॉड, बट द कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बाइड ऑक्साइड ऑफ कार्बन कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट जो होता है सॉल्ट कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर इन सब चीज़ों की खोज या फिर इसको स्टडी कर दिया करते गए कंटिन्यूसली स्टडी करते गए. ठीक है ना, तो ये इतना ही लिखा हुआ था. क्या था हम लोगों ने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ लिया करा करो. ये जो डाले होते हैं ना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए डाले होते हैं. CBSE में इंटरनल आता है, और इंटरनल में कोई भी चीज़ छोड़ना ना ज़रूरी वो नहीं है, छोड़ना ही नहीं है कुछ भी, क्यों छोड़ना सब कुछ ही पढ़ना. तो ये नया टॉपिक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं. डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख ली. नाउ वी ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. मीथेन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले से ही देख लिया, CH4 है ना, CH4. सो अनदर कंपाउंड जो होता है फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कितना होता है, इथेन. इथेन में क्या होता है, दो कार्बन आ जाते हैं. ठीक है, सो दैट्स वाई इसका फॉर्मूला रहता है C2H6 होता है. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड द फर्स्ट स्टेप इज़ टू लिंक द कार्बन आइटम. ठीक है ना, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लिंक करना कार्बन आइटम्स को. जितने भी कार्बन आइटम्स हैं, जितने भी कंपाउंड बना रहे हैं उसमें जितने कार्बन आइटम हैं उनको लिंक करना है. एक तो आता नहीं है, 2, 3, 4, 5 इस तरह से. द फर्स्ट स्टेप इज़ टू लिंक द कार्बन आइटम टूगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड एंड देन यूज द हाइड्रोजन. अब सिंगल बॉन्ड से अटैच तो कर दिए. अब हमें पता है कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, इसको चार की वैलेंसी चाहिए होती है, तो हमको एक एक वाला कोना, हाइड्रोजन नेचुरल की बात है, इसको हाइड्रोजन ही है हमारे पास, एक एक कल्ला कल्ला. तो हमको ऐसा कंपाउंड, ऐसा एलिमेंट इसके साथ लगाना पड़ता है जिसके पास एक की वैलेंसी रहती है. ठीक है ना, तो हाइड्रोजन ही होता है ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो हाइड्रोजन लगा लेते हैं. ठीक है, एंड देन यूज़ द हाइड्रोजन टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ द कार्बन. फॉर एग्जांपल हो गया द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज अराइव फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है, ये स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ये मैंने बता दिया था आपको पहले ही, इथेन का स्ट्रक्चर. ठीक है, ये इथेन का स्ट्रक्चर हो गया आपका, इथेन. मीथेन का बता दिया, मीथेन में कौन सा डॉट स्ट्रक्चर आएगा, मीथेन में तो सिंपल आता ना, एक कार्बन में क्या ही आएगा, ये आएगा. लेकिन अब दो में पता चलेगा कि दो का स्ट्रक्चर किस तरह से आता है, तो इथेन डॉट स्ट्रक्चर आ गया आपका. पता नहीं शादी है आगे पीछे नहीं क्या है, तो ये दो कार्बन आ गए आपके. चलो हो जाए क्लियर. ठीक है, तो ये आ गए दो कार्बन आ गए. ठीक है, तो कार्बन के आसपास कितने रहते हैं, कितने होते हैं, चार ही, पांच के लिखे हुए हैं, चार ही हैं.
ठीक है, एक इसका है, एक इसका है, एक इसका, एक इसका है और एक इसका है, बाकी इसका इसका इसका, ये चार कार्बन के जो चार अपने हैं, अपने आटम है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्स कार्बन के हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड ही है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से दो अटैच्ड हो गए एक दूसरे के साथ, इसने वो कर लिया, दूसरों एक दोस्ती कर ली, शेयरिंग कर ली, फिर अभी यार, और बाकी जो है वो हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन के पास डॉट स्ट्रक्चर है, डॉट है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला मतलब एक को क्रॉस, कार्बन वाले को क्रॉस ले लो और हाइड्रोजन वाले को या दूसरे एलिमेंट वाले को डॉट ले लो। इस तरह से हाइड्रोजन ने अपने दो पूरे कर लिए, है ना, हाइड्रोजन ने दो दो पूरे कर लिए और कार्बन ने क्या किया, अपने आठ पूरे कर लिए, है ना। हाइड्रोजन के भी एक एक शेयर कर लो ना, शेयरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन, ठीक है। तो कार्बन क्या होता है, आटम लिंक टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड। कार्बन आटम जो होता है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है, कार्बन आटम जो होता है लिंक्ड विद द सिंगल बॉन्ड एंड थ्री वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन आटम रिमेन अनसेटिस्फाई। ये जो थ्री वैलेंसीज होती है कार्बन आटम की रिमेन करती है, अनसेटिस्फाइड रहता है, तो सो ईच जो है वो, मैंने सोचा था आपको ज़्यादा करा दूँगी लेकिन हमारे आसपास कुछ ज़्यादा ही शोर है तो आपको यही टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी। सो थ्री वैलेंसीज ऑफ द कार्बन आटम रिमेन अनसेटिस्फाइड रहती हैं, सो ईच इज़ बॉन्डेड विद द थ्री हाइड्रोजन आटम, ये बता दिया मैंने आपको, है ना। तो ईच कार्बन आटम बॉन्डेड विद द थ्री हाइड्रोजन आटम, हर एक कार्बन आटम बॉन्ड करता है थ्री हाइड्रोजन आटम के साथ। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इथेन शोन इन द फिगर बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। तो कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, इसी तरह से आप क्या प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना सकते हो, मिथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन में रहते हैं तीन कार्बन। ये आ गया इसका फॉर्मूला C3H8, तो तीन कार्बन है, तीन अटैच्ड हो गए, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर लो। बीच वाले कार्बन में ए दो की जरूरत होगी हाइड्रोजन के, बाकी साइड साइड वाले में तीन तीन की जरूरत होती है। खाली का मतलब यहाँ पे एच लगेगा, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे एच लगेगा, पता चल गया, ठीक है। प्रोपेन का स्ट्रक्चर पता चल गया ना, एक दो तीन प्रोपेन, इसका फॉर्मूला रहता है C3H8, एट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एट हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, ये हो गए। बीच वाले में तो वैसे भी दो ही लगेंगे क्योंकि टेट्रावेलेंसी पूरी करनी है, कार्बन ने चार पूरे करने हैं आपने, और कार्बन ने सिर्फ चार ही पूरे करने हैं, ज़्यादा बॉन्ड बनाओगे तो पाँच छः नहीं बनाने हैं, सिर्फ चार पूरे करने हैं। आप देख लेना कैसे पूरे करने हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन ने तो एक एक सिंगल बॉन्ड से बना दिया, क्योंकि उन्होंने सिंगल बॉन्ड बोला ना, डबल बॉन्ड थोड़ी बोला उसने, ठीक है ना। तो इसी तरह से C3H5 इज इन सिमिलर मैनर, सो यू विल क्या है, सी द बैलेंसीज ऑफ ऑल द एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम। सो इसी से हमें पता चलता है कि सारी वैलेंसीज जो होती हैं आटम की वो सेटिस्फाई कर लेता है, सिंगल बॉन्ड से ही सेटिस्फाई होगी। सच कार्बन कंपाउंड आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड, तो इस कार्बन कंपाउंड को, ये जो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो दीज कंपाउंड आर नॉर्मली वेरी नॉट वेरी रिएक्टिव, ये जो सिंगल वाले होते हैं ना ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहते, ठीक है। हाउएवर अगर हम लोग बात करें, हाउएवर अनदर कंपाउंड रहते हैं ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन के, हैज़ अ फार्मूला C2C2H4 कॉल्ड इथीन, ठीक है, इथीन बोलते हैं, नाम चेंज हो गया, प्रीफिक्स चेंज हो गया, पहले ईन था ना, इथेन, ETHANE, इथेन था, ETHANE, इथेन था, इथेन से इथीन हो गया, ETHENE। अब आपको फार्मूला दे देती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इथेन का स्ट्रक्चर था हमारे पास, दो कार्बन होते हैं ना इसमें, तो दो था, ये हो गया इसका इथेन का, ये था स्ट्रक्चर, क्या था इसका फार्मूला, C2H6, लेकिन इथीन बोला ना इन्होंने अभी अभी, इथीन का फॉर्मूला रहेगा हमारे पास C2H4, मतलब इथीन में जो होता है ना वो डबल होते हैं, कार्बन के डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेकिन कार्बन ने पूरा तो करना ही है ना, अब हाइड्रोजन तो सिर्फ चार है, अभी इसने बोला सिर्फ चार है, कार्बन तो बेचारा भूखा रह गया, उसके पास तो वैलेंसी पूरी नहीं हुई, अब क्या करें, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है, कार्बन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेगा, तो यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, तो इथीन क्या हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, क्या हो गया, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, ये स्ट्रक्चर साइट पे भी बताया हुआ है इन्होंने, ठीक है ना, ये देखो बताया ना, तो मैंने बता तो दिया, छोड़ो करें, चलो आगे करें। हाउ कैन दिस मॉलिक्यूल बी डिप्लिकेड, ये मॉलिक्यूल डिप्लिक कैसे करेगा, वी फॉलो द सेम स्टेप वाइज अप्रोच एज अबव, जैसे ऊपर स्टेप बाई स्टेप किया था ना वैसे करेंगे।
ठीक है ना, थियरी बता दी है मैंने, प्रैक्टिकल मैंने पहले ही बता दिया आपको। कार्बन कार्बन आटम जो होता है लिंक करेगा एक दूसरे के साथ टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड। स्टेप वन, वी सी दैट द वैलेंसी ऑफ पर कार्बन ऑल आटम रिमेन अनसेटिस्फाई रह जाएगी। बेचारा कार्बन जो है वो भूखा रह गया, अनसेटिस्फाई रह गया, ठीक है। सो दिस कैन बी सेटिस्फाई ओनली, ठीक है, इसको हम लोग सेटिस्फाई करेंगे ओनली अगर डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन हो जाएगा तो जाके। तो थर्ड स्टेप में हम लोगों ने डबल बॉन्ड दे दिया उसको। तो इसी तरह से ये अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं इथीन का तो किस तरह से बनेगा, है ना, बॉन्ड्स बनेंगे ना ऐसे करके। मेरा मैं पहले बना के दिखाते हैं हम लोग, है ना, पहले बनाते हैं, बनाने का काम करेंगे ना फिर देखने का काम बाद में करते हैं। ये आ गया कार्बन, ये कार्बन, इसका एक, ठीक है, इसका एक, इसको सिर्फ हाइड्रोजन मिला, है ना, हाइड्रोजन एक एक ही मिला। अब बेचारे भूखे रह गए, ठीक है, ये हाइड्रोजन बना देती हूँ, ये डॉट हाइड्रोजन, ये क्रॉस और ये डॉट, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्रॉस इसका और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अभी बेचारे भूखे रह गए तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ एक और शेयर कर लिया, कहते हम एक और शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन ने क्या किया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये वाले कार्बन ने ऐसे करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये वाले कार्बन ने ऐसे करके ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये हाइड्रोजन्स ने ऐसे करके अपने अपने ऑक्टेट्स पूरे कर लिए, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया, है ये बन गया, ये सुंदर वाला है, ये बदसूरत वाला है, बदसूरत नहीं है, सुंदर है, ये भी सुंदर है, ठीक है। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन, ठीक है, बनाना आ गया, याद रहेगा, होपफुली याद रहेगा। चलो फिर आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द ईथीन इज गिवन इन द फिगर 4.7 में दिया हुआ। येट अनदर कंपाउंड ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज अ फॉर्मूला C2H2 भी होता है, C2H2। चलो अब दिमाग लगाओ उस पर, C2 ओनली H2, ये आ गया इथाइन, इथीन, ये ETHYNE प्रीफिक्स फिर से चेंज हो गया, मतलब इसमें एक दो हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे। इसमें इथीन का फार्मूला रहता है C2H2, ठीक है, मतलब बेचारा कार्बन, ठीक है, एक ही हाइड्रोजन मिला उसको, ठीक है, इसके साथ क्रॉस बना देती हूँ, इसके साथ डॉट बना देती हूँ, इसके साथ क्रॉस बना देती हूँ, इसके साथ डॉट। तो क्या करेगा अभी, अभी क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ ही कमी पूरी करेंगे, अपनी खपत पूरी करेंगे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ये, ठीक है। तो इसको ये ट्रिपल बॉन्ड बना देगा, ये आया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का आया, ठीक है, ये आया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ओके, समझ आई, ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो येट अनदर कंपाउंड ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन का फॉर्मूला होता है C2H2, इथाइन होता है। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, बना दिया। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन द टू कार्बन, तीन 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 के। सो हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन द टू कार्बन आटम इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दीज वैलेंसी, देयर वैलेंसी, सच कंपाउंड ऑफ कार्बन हैव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन आटम इज नोन एज अनसेचुरेटेड कार्बन आटम, सो दे आर मोर रिएक्टिव देन द सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, ये मोर रिएक्टिव होते हैं देन द सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि तीन बॉन्ड है ना, देखो ना, एक टिकली डाली हुई है, एक हाथ से पकड़ा और तीन हाथ से पकड़े हैं, तीन 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 कुंडियों से बंधा हुआ है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है कि नहीं। सो चेन्स एंड ब्रांचेस ऑफ द रिंग क्या होती है, अभी हम लोग आइसोमेरिज्म एंड ये पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर ब्रांचेस पढ़ेंगे। तो इन अर्लियर सेक्शन चेन एंड ब्रांचेस एंड रिंग्स क्या होती हैं, तो भाई कार्बन, अगर कार्बन ज़्यादा पड़ जाएँ, अगर ज़्यादा ज़्यादा कार्बन आ जाए, इसको अलग अलग फॉर्म में भी तो हम लोग बना सकते हैं ना, तीन कार्बन हो जाए तो उसको क्या मैं चेन फॉर्म में नहीं बना सकती, ऐसे रिंग फॉर्म में नहीं बना सकती ऐसे करके, और इसके हाइड्रोजन जो होते हैं वो पूरे करा सकती हूँ ऐसे 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 करके, ठीक है, ये रिंग हो गया, ब्रांच हो गया ऐसे करके, ठीक है, एक कार्बन यहाँ करके आ गया, एक कार्बन यहाँ करके आ गया, ठीक है, उसी तरह से फिर ये पूरे कर दिए, इसके हाइड्रोजन पूरे करने हैं, ठीक है, इसको एक की ज़रूरत पड़ेगी और इसको तीन की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह से ये ब्रांच आ गया। और चेन तो आपको पता ही है, सीधा 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 सीधा, ठीक है, ये सीधा सीधा सीधा, ठीक है, ये सीधा सीधा आ गया। तो चेन, ब्रांच एंड रिंग, तो इन अर्लियर सेक्शन हम लोगों ने मेंशन किया था कार्बन कंपाउंड को एज मिथेन, इथेन एंड प्रोपेन, ठीक है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन। अच्छा, मैंने आपको फॉर्मूला नहीं दिया इसको पढ़ने से पहले, मैं आपको जी, ये जो इथेन वाले होते हैं ना, मिथेन, इथेन, ये जो मिथेन एन जिसके साथ लगा होता है, ये बहुत सारे होते हैं, तो मैं आपको 10 के नाम दे देती हूँ, पैसे नीचे लिखे हुए हैं, 10 के नाम लिखे हुए हैं। तो पहले वालों को जिसके साथ एन लगा होता है उसको एल्केन बोलते हैं, ALKANE, एल्केन बोलते हैं,
ठीक है, ईन वालों को एल्कीन बोलते हैं, ALKENE, और थर्ड वाले को बोलते हैं एल्काइन, ALKYNE, एल्काइन बोलते हैं, ठीक है। तो फार्मूला याद रख लेना, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे तो फार्मूला सेम ही लगेगा, कार्बन आटम बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन आटम उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो एल्कीन का फार्मूला रहता है आपके पास CnH2n+2, लिख लो, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो लिखा होगा शायद आगे जाके लिखा है। तो CN, एल्कीन का फार्मूला रहता है CnH2n, ठीक है, एंड एल्काइन का फार्मूला रहता है CnH2n-2, ठीक है, लिख लो, ये फार्मूलेज है एल्केन का और एल्काइन का। एल्केन का मतलब हो गया, अब एल्केन में सारे आ जाएंगे, कौन से, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सीन, हेप्टेन, ऑक्टेन, न्योएन, ठीक है, एल्कीन में आ जाएंगे, एल्कीन, मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इस तरह से, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ कार्बन आटम बढ़ाते जाएंगे, एन इज़ द नंबर ऑफ कार्बन आटम, ठीक है, फिर 2n हाइड्रोजन आटम उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर देंगे, 2n है ना, ठीक है। और एल्कीन का भी ऐसे आ जाएगा, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, आगे क्या, पेंट के आगे क्या आता है, हेक्साइन, हेप्टाइन, ठीक है, इस तरह से आएंगे, नाम आएंगे, डोंट वरी। तो इन अर्लियर सेक्शन वी मेंशन द कार्बन कंपाउंड मिथेन, इथेन एंड प्रोपेन के बारे में पढ़ा, कंटेनिंग द रिप्रेजेंटेटिव 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन आटम्स, सच चेन ऑफ द कार्बन आटम मे कंटेन मैनी मोर कार्बन आटम्स, और भी 2 कार्बन आटम हो सकते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ, ये जो 6 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है इन्होंने, ये गिवन इन द टेबल, ठीक है, 6 का दिया हुआ, जैसे कि ये नेम हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, तो मिथेन वाला दे रहे हैं ये, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, तो मिथेन का देख लो फार्मूला लग रहा है ना, ये वाला फार्मूला मैच कर लो जो मैंने आपको दिया अभी, फार्मूला CnH2n+2, चेक कर लो, सी एक ही है, कार्बन एक हो गया, एंड हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 × 2 कितना हो गया, 2 + 2 = 4 हो गया, तो CH4 फार्मूला बैठ गया इसके ऊपर, एन वाले के ऊपर, है ना। अब इथेन वाले में भी फार्मूला लगा के देख लो, CN कितना है, कार्बन 2, हाइड्रोजन 2n × 2 + 2 कितना हो गया, C2H कितना हो गया, 4 + 2 = 6 हो गया, बन गया ना फार्मूला। तो इनके स्ट्रक्चर्स भी वैसे ही बनेंगे, ये देखो, है ना, ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो कितने दिए हैं इन्होंने, ब्यूटेन तक बस, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्सेन जो 6 दिए हैं इन्होंने, तो अब तो आप बना ही सकते हो आराम से, फार्मूला दे दिया मैंने आपको, है ना, फार्मूला दे दिया एल्कीन वाले का फार्मूला, ठीक है, CnH2n+2, एल्कीन वालों का फॉर्मूला, पीछे प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स लगता है एन, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के लिए एन, ओके। तो ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं, अब तो बना ही लोगे, है ना, हमेशा कार्बन को 6 कार्बन, 4 कार्बन, टेट्रा कार्बन हमेशा टेट्रावेलेंट है, जितने मर्जी कार्बन हो आपने बीच वालों को 2-2 देने हैं, साइड वालों को दे देने हैं 3 अगर एन ग्रुप है तो, अब जितने मर्जी होंगे क्या फ़र्क पड़ता है, पता तो चल गया, है ना, वो बीच में भी तो बॉन्ड बनाना है, ये सिंगल बॉन्ड, इसी तरह से आपका स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, और जितने मर्जी कार्बन आ जाए, आन दो हम बना लेंगे स्ट्रक्चर, है ना, है कि नहीं, बनाएंगे ना, ठीक है। सो बट लेट अस, ये क्या है, बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन के ऊपर, फिर से एक लुक दे दो, तो इफ वी मेक द कार्बन स्केल्टन, अगर हम लोग कार्बन स्केल्टन, ये हो गया चेन सिस्टम, चेन हो गया सीधा, ब्यूटेन में कितने होते हैं कार्बन, 4, ब्यूटेन में 4 हो गए ना, तो विद द 4 कार्बन आटम वी विल सी द, हम लोग और भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं ब्यूटेन के, है ना, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं, तभी तो सेम फार्मूला रहेगा, फार्मूला तो सेम ही रहेगा, है ना, इसमें एक हाइड्रोजन दे देंगे, एक कार्बन दे देंगे, इनको तो 3-3 देने पड़ेंगे, ठीक है, काउंट करो, सेम ही फॉर्मूला है चेन स्ट्रक्चर का और ब्रांच स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये स्केल्टन विद द 4 कार्बन आटम, वी विल सी दैट 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केल्टन हो जाते हैं, ये होता है 2 पॉसिबल स्केल्टन्स। तो आगे क्या हो गया, फिलिंग द रिमेनिंग हाइड्रोजन, मैंने बताया फिल कर दिया मैंने, ये चेन वाला फिल कर दिया हाइड्रोजन, और यहाँ पे इसमें भी हाइड्रोजन फिल कर दो, तो फार्मूला सेम ही रहेगा, कंप्लीट द 2 स्ट्रक्चर्स विद द फार्मूला C4H10, ठीक है ना। तो वी विल सी दैट बोथ दी स्ट्रक्चर्स हैव द सेम फार्मूला, तो बोथ द स्ट्रक्चर्स, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स का फार्मूला सेम रहेगा, है ना। सच कंपाउंड आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड्स का आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, नया डेफिनेशन आई स्ट्रक्चरल आइसोमर, सेम फार्मूला
सेम फॉर्मूला FOR MULA सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं आइसोमर. क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं, ठीक है. तो इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन, अगर हम लोग स्ट्रेट और ब्रांच कार्बन चेन की बात कर ही रहे हैं, तो सम कंपाउंड ऑफ द कार्बन अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग की फॉर्म में भी बना सकते हैं. अभी तो हमने ऊपर पढ़ा ना, ब्रांच पढ़ना, रिंग पढ़ना और स्ट्रेट चेन पढ़ना है, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन, ये छः कार्बन आटम, छः कार्बन को हम लोगों ने हेक्सेन बना दिया, ठीक है ना. फिर यहाँ पे इसको, ये जो कॉर्नर आ रहे हैं ना, याद रखना, जहाँ पे भी कार्बन कंपाउंड में कॉर्नर आएंगे, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है कॉर्नर, ठीक है. तो इसको हाइड्रोजन भी तो देने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि दो कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, ये C6H12, ठीक है, C6H12, ये ईन ग्रुप है, ठीक है. फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये आ गया, और सब ने अपना अपना हाइड्रोजन पूरा कर लिया है, ठीक है ना. तो साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे इसको, साइक्लोहेक्सेन हो गया, हेक्सेन है ना, छः कार्बन जहाँ पे होते हैं उसको हेक्सेन बोलते हैं, हेक्सा छः, है ना, हेक्सागन पढ़ा होगा आपने, ठीक है. तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोहेक्सेन बनाना चाहें, ये नहीं पढ़ा मैंने, स्ट्रक्चर ऑफ ये साइक्लोहेक्सेन है एंड कार्बन स्केल्टन हो गया ये ए वाला, और स्केल्टन हो गया अंदर का पास, अंदर का हिस्सा. जब हाइड्रोजन लगा लेते हैं तो उसमें मांस और चमड़ी भी आ जाती है और मसल्स भी आ जाते हैं, ठीक है. तो नाम अकॉर्डिंग टू द, मतलब मिलते जुलते नाम दे देते हैं ये, ताकि आपको याद रहे. सो कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते. स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक का, ये क्या है, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड, ऑल मे बी सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, बिकॉज बेंजीन का फॉर्मूला रहता है C6H6, ठीक है. अब इथीन ग्रुप आ गया ना, तो बेंजीन, इसमें ये हेक्सेन ही है, लेकिन जब हम लोग इसमें डबल बॉन्ड लगा देते हैं, एक एक हाइड्रोजन हर एक कार्बन से ले लेते हैं ना, तो ये बेंजीन बन जाता है, ये पर्टिकुलर बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाता है. और बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है तो क्या करता है, ये आपको मैं बना के दिखा देती हूँ, ये छः कार्बन है ना, है ना, इसमें से एक एक हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है, बेंजीन हो गया, एक एक हाइड्रोजन हटा दिया. अब अगर एक एक हाइड्रोजन सबसे ले लेंगे तो वैलेंसी बेचारा कैसे पूरा करेगा, ठीक है, इन सब के पास एक एक हाइड्रोजन है, एक एक है, ठीक है, सिर्फ एक एक है. अब काउंट करते जाना, मैं आपके सामने ही काउंट करूँगी, यहाँ पर जगह नहीं है साइड पर, ठीक है. तो क्योंकि कार्बन कार्बन में भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे शेयरिंग करा देते हैं. तो ये वाले कार्बन की बात देखते हैं, ये वाला कार्बन भी, इसके भी चार पूरे हो गए, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 हो गए ना चार पूरे, लेकिन इसके भी चार पूरे हो गए साथ में, इसके भी चार पूरे हो गए साथ में, हो गए ना, इसलिए इसको नहीं छेड़ना, ठीक है, ना ही इसको छेड़ना, ना इस वाले बॉन्ड को छेड़ना, ना इस वाले बॉन्ड को छेड़ना, ना ही इस वाले बॉन्ड को छेड़ना, बस एक छोड़ के अगले वाले को छेड़ना. अब इसको छेड़ो, ठीक है, इसको छेड़ो, ना ही इसको छेड़ना, ना ही इसको छेड़ना है, आप किसको छेड़ें, इसको छेड़ेंगे. तो एक छोड़ के एक करके हमारा C6H6 आ गया फॉर्मूला. ये बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, ये लिक्विड होता है आपका बेंजीन, ये कंपाउंड लिक्विड होता है बेंजीन, इसका फॉर्मूला इस तरह से बनता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है बेंजीन. और ये अनसैचुरेटेड है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड हो गया. समझ आया, ठीक है, समझ आया ना. ऑल दीज कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन. सो ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मिलते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, ठीक है ना, उनको क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन. अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, अमंग दीज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन बोला जाता है, एंड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन मोर देन वन आर डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन बोला जाता है, एंड दोज कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, वन आर मोर ट्रिपल बॉन्ड्स, एक से एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं उसको बोलते हैं एल्काइन. और मैंने फॉर्मूला बता दिया, फिर से रिपीट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, एल्केन का हो गया CnH2n+2, एल्केन, एल्कीन का क्या हो गया, एल्कीन का क्या हो गया, जल्दी जल्दी बोलो, CnH2n, एंड एल्काइन का क्या हो गया, CnH2n-2, बाकी सेम, जिसको मर्जी डाल दो, हेक्सेन ले लो, हेप्टेन ले लो, कुछ भी ले लो, अब फार्मूला आपको आता है तो आप सबके अकॉर्डिंग टू द कार्बन, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन, आप इनके फार्मूलेज और स्ट्रक्चर्स आराम से बना सकते हो, है कि नहीं. सो विल यू बी माई फ्रेंड, हाँ विल यू बी माई फ्रेंड. सो कार्बन सीम टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, सो फॉर वी विल लुकिंग एट द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, द कार्बन आर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ, क्या है ये कल पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत लंबा हो गया आज का लेक्चर, आज का लेक्चर वरना ज़्यादा हो जाएगा. तो विल यू बी माई फ्रेंड, हम कल पढ़ेंगे, ओके. तो
होपफुली आपको समझ आया होगा, है ना, आपको समझ आया नॉमिनक्लेचर वगैरह, सब नॉमिनक्लेचर आगे आएगा, तो आज का स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वगैरह और स्ट्रक्चर्स आपको होपफुली समझ आए होंगे। तो समझ आए होंगे तो फटाफट लाइक कर दो, है ना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, है ना, एंड क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। अगर आप नए हो तो बेल आइकन पर क्लिक कर देना, सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं दोबारा, सायोनारा, बाय बाय। तो अभी मैं इतनी वीडियो रख रही हूँ ये वाले, ठीक है।